सिम्बा खूब धूम मचा रही है। फिल्म ने अब तक 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। अब इस फिल्म को लेकर खबर है कि रोहित शेट्टी इसका सीक्वल प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू में रोहित ने खुलासा किया है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है तो सिम्बा 2 पर विचार करेंगे। और खास बात यह है कि सिम्बा में कैमियो के बाद अजय देवगन सिम्बा 2 में भी रणवीर सिंह के साथ दिखेंगे, लेकिन इस बार कैमियो में नहीं बल्कि पूरे रोल में नजर आएंगे। वरुण धवन और आलिया भट्ट को लेकर खबर है कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म कुली नंबर 1 की रीमेक में नजर आ सकती है। बता दें कि पहले ऐसी खबर थी कि फिल्म में वरुण के अपोजिट सारा अली खान को साइन किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर निर्माता निर्देशक आलिया भट्ट के नाम पर विचार कर रहे हैं और लगभग सहमति भी बन चुकी है। अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 16 साल बाद सलमान खान और सतीश कौशिक की जोड़ी फिर से एक बार सुपरहिट फिल्म देने के लिए तैयार हो रही है। उनकी यह फिल्म रियल लाइफ कहानी पर आधारित होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी अहम किरदार में होंगे। आपको यह भी बता दें कि तेरे नाम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सतीश कौशिक के बीच मतभेद हो गए थे। अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाइफ पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर विवाद थमा भी नहीं है। और अब खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लाइफ पर भी बायोपिक बन रही है, जिसमें विवेक ओबराय पीएम मोदी का रोल करेंगे। और इसकी ऑफिशियल घोषणा तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है, जिसका फर्स्ट लुक 7 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। खबर है कि सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा को माफ कर दिया है। जी हाँ, जब प्रियंका ने अपनी शादी के चलते अचानक फिल्म भारत बीच में ही छोड़ दी थी तो कहा जाने लगा था कि सलमान खान प्रियंका चोपड़ा से काफी नाराज हैं, लेकिन अब सलमान ने उन्हें माफ कर दिया है। और इस बात की जानकारी भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू में दी है। हाल ही में अनुष्का शेट्टी और प्रभास बाहुबली की निर्देशक एसएस राजामौली की बेटी की शादी में शामिल हुए। ये शादी जयपुर में संपन्न हुई, जहां अनुष्का शर्मा इंडियन ट्रेडिशनल साड़ी में नजर आई। यहां प्रभास और अनुष्का भी मौजूद रहे और इन दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां अनुष्का प्रभास के साथ नजर आ रही है। आयुष्मान खुराना की अंधाधुन सबसे सफल फिल्मों में से एक रही और अब फिल्म को तमिल स्टार सूर्या रीमेक करना चाहते हैं। इस बात के बारे में बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने कहा कि मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट को पूरी हाँ है, लेकिन आयुष्मान ने ये भी कहा है कि उनके बिना फिल्म सक्सेस नहीं हो सकती। इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। इसके साथ ही फिल्म कंगना रनौत की मणिकर्णिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने वाली थी, लेकिन अब चीट इंडिया बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पहले यानी 18 जनवरी को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा जोनास पिछले दिन अपने विदेशी पति निक जोनास संग न्यू ईयर मनाने स्विट्जरलैंड पहुंची थी। इस कपल के साथ निक की दोनों भाई और सोफी टर्नर भी नजर आए। सोशल मीडिया पर प्रियंका और निक ने जमकर फोटो और वीडियो शेयर किए थे, जिसमें दोनों टकीला शॉट लेते दिख रहे हैं। सुष्मिता सेन इन दिनों अपने से 15 साल छोटे मॉडल बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के प्रेम की दीवानी हो चुकी है। सुष्मिता के बॉयफ्रेंड रोहमन का जन्मदिन है, जिसे लेकर सुष्मिता ने एक खास पोस्ट लिखकर अपनी एक तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर की है। साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दोनों मिलकर वर्कआउट करते दिख रहे हैं।